तो ठीक है, लेकिन अब जो ऑपरेशन लास्ट हुआ था ना, जिस लीकेज के लिए प्रूफ। ओके, आप लोग शायद एक इंसान को भूल चुके हैं, लेकिन मैं उस इंसान को नहीं भूला हूँ। अपने बीमारी को लेकर तूफानी लाल यादव काफ़ी चर्चित रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया पे लगभग काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे वो अपने बीमारी को लेकर। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना फैंस बनाया, स्टार बन गया उनको बीमारी को लेकर। बहुत सारे झूठ साज बहुत कुछ बोला लोगों ने सोशल मीडिया पर, दे वीडियो देते चला गया, और शायद मदद उनको उतना नहीं मिला। लेकिन जिस इंसान ने मदद किया वो कभी ये नहीं बोला कि मैंने मदद किया। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ वो इंसान कौन है। वो इंसान है पवन सिंह। उनका लाख वीडियो बना, बहुत सारे वीडियो बना, मैं मदद कर रहा हूँ, ये मदद कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। उनका सर्जरी कब हुआ? जब पवन सिंह उनके पैसे दिए सर्जरी का, क्योंकि छोटा मोटा तो रकम था नहीं, बहुत सारे रकम था, तो पवन सिंह ने उनको पैसे दिए। लेकिन अभी का डेट में क्या हाल है तूफानी लाल यादव का, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खोजने वाला ही नहीं है कि उनका हाल क्या है। इंटरनल जो पवन सिंह है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन वो कभी लाइव नहीं आए, कभी सोशल मीडिया पर नहीं बताया कि हम यानी पवन सिंह कुछ दिए हैं तूफानी लाल यादव को। इसको लेकर बहुत लोगों ने दिया या ना दिया, फिर भी सोशल मीडिया पे अपना फैंस बिटोरा। लेकिन अभी क्या हाल है ये जानने के लिए हम उनके पास कॉल किए। हालांकि इसके पहले बहुत सारे मैंने कॉल इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो उनके पास कॉल किए तो वो हालत में तो नहीं है बात करने के लिए। लेकिन उनके भाई से बात हुआ मेरा, तो उन्होंने क्या बोला, क्या बातें हुई हमारे बीच में, क्या डिस्कशन हुआ, ये सारी चीज़ें मैं इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपको बताना चाहता हूँ। वो कब आने वाले हैं इंडस्ट्री में, उनका सर्जरी जो हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉल रिकॉर्डिंग को। हेलो, हम गौतम यादव बोल रहे हैं, भैया का क्या हाल है? अभी तो ठीक है, लेकिन अब जो ऑपरेशन लास्ट हुआ था ना, हाँ, जिस लीकेज के लिए पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा माइनर रह गया है, ठीक ना? तो अब ऑपरेशन होगा भी नहीं, अब इसी तरह वो बोल रहा है कि 10-15 रोज में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ भैया, तो डिस्चार्ज कब होगा? अभी भाई किसी तरह यहाँ समय लेगा, अभी बोल रहा है कि समय लगेगा। अच्छा, समय लगेगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अब तूफानी भैया के बोल रहे हैं? हम उनके बड़े भाई बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम गौतम यादव बोल रहे हैं, और भैया से काफी करीबी है मेरा बहुत दिनों से। हाँ हाँ, तो इसीलिए जानने के लिए कॉल किए थे भैया का क्या हाल चाल है। अच्छा ठीक है, तो जो यही हाल है बताए किया। और अभी बातचीत अच्छे से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं अभी क्या हो रहा है, उसी के चलते कुछ जैसे कि टहल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो दर्द सा महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है। जी जी हाँ, तो फिर उसके लिए आज फिर सीटी स्कैन करना है। अच्छा, आज सीटी स्कैन फिर से होगा? हाँ, यहाँ का प्रॉब्लम है जी, वही देखने के लिए। जी, हम लोग को दुआ है कि भैया जल्दी आए भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिर से अपनी शुरुआती करे। ठीक है भाई, ठीक जी। हम दी नेटवर्क इंडिया से बोल रहे हैं, गौतम यादव। हाँ हाँ, अगर भैया को बता दीजिएगा कि हाँ गौतम कॉल किए। ठीक ठीक जी, थैंक यू भैया।